हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलदीप राठौड़। वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर DCM नंबर 27 पेपर सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड वाई इक्वल टू। दो कर्व है, उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पर टेंजेंट निकाल, एक्यूट एंगल के बीच का टेन थीटा निकालना अपने को। फर्स्ट कर्व है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन और उस पे मोड लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस वन का कर्व अपने पास में ऐसा होता है, ये वाला, ये पॉइंट होता है 1,0, ये होता है -1,0। -1,0, ये 1,0 मोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0,1। ठीक है, अब दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये भी सेम सा ही होता है, थोड़ा सा ये इस पॉइंट से पास हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है, √3,0 और इधर -√3,0, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये वाला और ये वाला, इस पे स्लोप होगी, टेंजेंट होगी अलग अलग, उनके बीच में जो एक्यूट एंगल होगा उसका अपने को निकालना है टेन थीटा। ये वाला कर्व क्या है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और ये वाला, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये देखो मोड लगाने के बाद में ऊपर आया है तो जस्ट 3 - x². ये पॉइंट निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, 3 - x² और x² - 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। x² - 1 = 3 - x², तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, x = √2 और y हो जाएगा, सॉरी x = √2 आ जाएगा और y निकालेंगे तो y इसमें रख दो, 3 - x², तो 3 - √2, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 1। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला अपना √2,1। अब देखो इस पे अलग एक पॉइंट आ गया, दोनों पे dy/dx निकाल लेते हैं। तो पहला कर्व इसमें होगा अपने पास में 3 - x², y = 3 - x², dy/dx क्या हो जाएगा -2x, √2,0 पे क्या हो जाएगा, इसको m1 मान लेते हैं, टेंजेंट की स्लोप है, m1 क्या आ जाएगा 2 * √2 और नेगेटिव का। दूसरा कर्व क्या है, y = x² - 1, तो dy/dx यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x और √2 रखेंगे x का वैल्यू, तो ये वाला स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का 2√2। अब टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, टेन थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। इसमें पुट कर दो वैल्यूज, m1 - √2 और -2 अपॉन 1 + -√2 * √2, इसका तो ये कितना आ गया 4√2 और नीचे -7, तो ये कितना आ गया 4√2/7। इसने पूछा है एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, a sin x + b cos x c sin x + d cos x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा, कब रहेगा, जब इसके लिए f(x) क्या हो जाए > or = 0। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, f(x) क्या रहेगा, u/v मेथड,
इसका स्क्वायर नीचे वाले का, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, फिर ये सी साइन एक्स एज इट इज प्लस डी कॉस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कर दो न्यूमरेटर का, वो क्या हो जाएगा ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ओके। फिर आएगा माइनस, ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, वो क्या हो जाएगा सी साइन एक्स, सी साइन एक्स का कोस एक्स, सी कोस एक्स और माइनस डी साइन एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सी साइन एक्स और बी साइन एक्स, तो ये क्या जाएगा माइनस बी इंटू सी साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स के साथ में क्या आएगा ए डी कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कोस एक्स के साथ में क्या आएगा ए कोस एक्स सी साइन एक्स, तो ये क्या आ गया ए सी और डी और बी माइनस बी डी साथ में साइन एक्स कोस एक्स, ये तो हो गए अब पहले वाले दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गए। अब दूसरे दोनों देख लेते हैं वो क्या आएगा, देखो ए साइन एक्स और माइनस डी है ये डी साइन एक्स, तो माइनस ए डी साइन स्क्वायर एक्स, बी कोस एक्स और सी कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा प्लस बी सी कोस स्क्वायर एक्स, और फिर साइन एक्स कोस एक्स में ए साइन एक्स माइनस डी कोस एक्स, सी ए साइन एक्स सी कोस एक्स, तो ए सी साइन एक्स ए सी साइन एक्स कोस एक्स और माइनस बी डी साइन एक्स कोस एक्स, अपॉन में क्या रहेगा भाई सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स इसका स्क्वायर। अब देखो माइनस बी सी साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बी सी साइन कॉस स्क्वायर एक्स बट एक माइनस यहाँ पे, तो बी सी कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा माइनस सॉरी वन हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी सी इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो हो गया वन। फिर देखो ए डी कोस स्क्वायर एक्स प्लस का, और यहाँ पे ए डी साइन स्क्वायर एक्स माइनस और माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा ए डी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वो वन हो गया। और यहाँ पे देखो ए सी माइनस बी डी प्लस का, और यहाँ पे ए सी माइनस बी डी माइनस का, तो साइन एक्स कोस एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, अपॉन में क्या आ जाएगा वही सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स इसका स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आ गया एफ डेस एक्स। अब अपने को पता है एफ डेस एक्स को क्या करना है पॉजिटिव और ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो माइनस बी सी प्लस ए डी अपॉन में ये तो पॉजिटिव है जीरो में मिलके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, कौन सा केस सही हो जाएगा ए डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी सी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, थर्ड क्वेश्चन है इसमें लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस फाइव साइन स्क्वायर एक्स बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये एफ एक्स को अपने को इंक्रीजिंग फंक्शन करना है, तो क्या कर देंगे एफ डेस एक्स इसके लिए भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देंगे, एफ डेस एक्स क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब एफ डेस एक्स करना है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस बी प्लस फाइव
साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? फाइव साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टू साइन एक्स और कॉस एक्स, ये अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखना है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस बी प्लस, देखो ये टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन गया, साइन टू एक्स। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, इसका मिनिमम वैल्यू रख देंगे उससे ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम आएगा तब भी ग्रेटर ही होगा। तो इसका मिनिमम कितना है, माइनस वन, तो माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस बी माइनस फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगी, जब डी नेगेटिव हो, यहाँ पे दिख रहा है अपने को ए कैसा है पॉजिटिव, तो अपने को इसके लिए क्या करना है, डी डिस्क्रिमिनेंट वो क्या करना है नेगेटिव, कर दो नेगेटिव। बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए थ्री इंटू सी, सी क्या है बी माइनस फाइव और इक्वल टू जीरो। फोर ए स्क्वायर तो फोर से फोर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री बी प्लस 15, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कौन सा रहेगा इसमें, क्वेश्चन नंबर फोर। इफ ए जीरो अपॉन एन प्लस वन, ए वन अपॉन एन, ए टू अपॉन एन माइनस वन, ऐसे करके ए एन तक जाना है और इक्वल टू जीरो है, ये कंडीशन दी हुई है। देन द इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हैज एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्ट एटलीस्ट वन रूट। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन अज्यूम कर लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स की पावर एन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, दूसरे ए वन एक्स की पावर एन अपॉन एन, फिर ए टू एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ऐसे करके ए एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन इंटू एक्स, ये एक फंक्शन अज्यूम कर लिया। अब देखो इसमें जीरो और वन दे रखे हैं ना, इनके बीच में रूट देखना है, तो एफ ऑफ जीरो बताओ क्या आएगा, सब जगह जीरो पुट करना है, जीरो 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 जीरो, तो सब क्या हो गया जीरो। और एफ ओ वन, एफ ओ वन देखो यहाँ पे वन पुट किया तो ए जीरो अपॉन एन प्लस वन, ए जीरो अपॉन एन प्लस वन इसमें दिख रहा है, ए वन अपॉन एन, ए वन अपॉन एन, ए टू अपॉन एन माइनस वन ये दिख रहा है, ए एन माइनस वन अपॉन टू, ए एन माइनस वन अपॉन टू, और फिर लास्ट में ए एन इंटू वन, तो क्या आ गया ए एन। तो ओवरऑल यही आ गया अपने पास में, तो ये क्या आ जाएगा एफ वन भी जीरो हो जाएगा। अब देखो ये पॉलिनोमियल है इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल और कंटिन्यूस होगा, तो कंटिन्यूस और डिफरेंशियल होता है, और जीरो और वन पे वैल्यू कैसी है इसकी, सेम है, तो रोल मीन वैल्यू थ्योरम लग जाएगी, आर एम वी टी, यही तो होती है आर एम वी टी, एफ कंटिन्यूस और डिफरेंशियल फंक्शन के लिए जीरो और वन पे वैल्यू इक्वल है, तो इनके बीच में जीरो और वन के बीच में एक जगह ऐसी आएगी, एक वैल्यू एक्स की ऐसी आएगी जहाँ पे क्या होगा एफ डेस एक्स क्या होगा जीरो, और एफ डे एक्स क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे एन प्लस वन आगे आएगा, एन प्लस वन से कैंसिल हो जाए एक्स की पावर एन यही बनेगा, और ए वन एन आगे आएगा एन माइनस वन पावर बचेगी और ये एन और एन कैंसिल, तो ये वाला हो जाएगा ऐसे करके। तो क्या होना चाहिए इस इक्वेशन के लिए, एफ डे एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एटलीस्ट वन रूट, तो ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। चलो फिर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर फाइव, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए फॉर विच द फंक्शन, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एट ए एक्स माइनस सिक्स साइन सिक्स एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस साइन फाइव एक्स इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करेगा और नॉट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं आएगा, तो अपन सबसे पहले इसका कैलकुलेट करते हैं एफ डी एक्स,
क्रिटिकल पॉइंट के लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अपन क्या देखते हैं, एफ डी एस एक्स देखते हैं, तो वही कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आगे एट ए एक्स, तो इसका तो एट ए हो जाएगा, ए साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स ए कॉस एक्स कॉस सिक्स एक्स। फिर साइन सेवन एक्स का माइनस सेवन, और साइन फाइव एक्स का फाइव कॉस फाइव एक्स। ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, नो क्रिटिकल पॉइंट पूछा है, मतलब इक्वल टू जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो एट ए और इधर क्या है, साइन सेवन है, तो इनको तो इधर रख लेते हैं अपन, और बाकी को उधर ले जाते हैं, सिक्स ए कॉस सिक्स एक्स प्लस फाइव कॉस फाइव एक्स। अब देखो इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो गया, तो इसके मिनिमम वैल्यू से तो ओवरऑल बड़ा ही हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू का वन होगा दोनों का, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो वो मैक्सिमम वैल्यू रख देता हूँ मैं इसमें, एट ए माइनस सेवन इज ग्रेटर देन वन रख दिया, कॉस सिक्स एक्स और कॉस फाइव एक्स की जाए प्लस फाइव, सिक्स से उधर जाएगा एट ए माइनस टू सिक्स से, तो टू ए और सेवन इधर आ जाएगा, तो फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व, तो ए इज ग्रेटर देन सिक्स। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलो फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेट एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ये फंक्शन है, फॉर एफ एक्स एक्स इक्वल टू फाइव पे अपने को चेक करना है मिनिमम मैक्सिमम, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का सिंपल ग्राफ बना लेते हैं इसमें, जीरो से वन में, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तक ले चलते हैं, क्योंकि फाइव पे कुछ देखना है ना अपने को, तो सिक्स पे ऐसा ग्राफ होगा ये, फाइव पे चेक करना है इस पॉइंट पे, तो फाइव पे वैल्यू क्या है, एफ ओ फाइव जीरो, फाइव से थोड़ा सा आगे एफ ओ फाइव प्लस, ऑब्वियस सी बात है इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हाइट बनेगी ना, तो ये क्या जीरो प्लस, जीरो से कुछ ज्यादा ही होगा, और इससे पहले जाएंगे तो देखो ये ऊपर चला गया, तो ये भी एफ ओ फाइव माइनस, ये भी क्या होगा, इससे बड़ा होगा एफ ओ फाइव से, तो अपने को कंडीशन क्या मिल रही है, एफ ओ फाइव क्या है, एफ ओ फाइव प्लस से भी छोटा है और एफ ओ फाइव माइनस से भी छोटा है, दोनों साइड से छोटा है, इसका मतलब मिनिमा टाइप होगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस बॉक्स ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो अपने को डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल हैव थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इस इक्वेशन के थ्री रियल और डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, फिर अपन क्या करेंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं इक्वल टू माइनस ऑफ बॉक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा, क्यूबिक है एक, तो डिफ्रेंशिएशन करके अपन क्रिटिकल पॉइंट पता कर लेते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, वन और माइनस वन, वन पे वैल्यू क्या है एफ ऑफ वन, वन माइनस थ्री तो होगी माइनस टू, और माइनस वन पे माइनस वन और प्लस थ्री तो ये होगी टू, तो माइनस वन पे तो क्या है मैक्सिमा है और वन पे मिनिमा, तो कुछ करो ऐसा हो जाएगा, ये किसका कर्व हो गया एफ एक्स का, ये वाला पॉइंट हाइट क्या है टू और ये वाली माइनस टू। अब देखो इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन, ये बॉक्स ऑफ ए कोई कांस्टेंट है, तो इसकी लाइन यहां से ऐसे पास हो तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे थ्री, और इसने क्या बोला है एग्जैक्टली थ्री, ये बोला ना विल हैव
थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट यही आएंगे तभी। तो बॉक्स ऑफ ए माइनस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक तो होना चाहिए, इससे तो ऊपर होना चाहिए, माइनस टू से तो बड़ा होना चाहिए और टू से छोटा होना चाहिए। तो बॉक्स ऑफ ए का वैल्यू क्या हो गया अपने पास में, माइनस टू से बड़ा और टू से छोटा। क्या हो सकता है, बॉक्स तो इंटीजर होता है, तो बॉक्स ए का वैल्यू क्या हो गया, माइनस टू से बड़ा कौन सा इंटीजर आएगा, माइनस वन, फिर जीरो, फिर वन, टू लेना नहीं है, टू पे ओपन इंटरवल है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया इस रेंज में, माइनस वन से लेके टू, टू पे कैसा रहेगा ओपन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे करके ये वाला अपना सेवन क्वेश्चन हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर एट। एट क्वेश्चन है, द फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू दिस, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, एक्स इक्वल टू जीरो विल बी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ एक्स इफ। इसने कंडीशन दे दी कि ए के वैल्यू ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ रखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे मिनिमा। बेसिकली देखो ये कैसा कर्व है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसे लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर का, मोड एक्स का स्क्वायर माइनस बी इंटू मोड एक्स। देखो एक्स पे मोड लग गया तो इसके फंक्शन का सिंपल एक फंक्शन मान लेते हैं, कैसा इवन फंक्शन हो गया, एक साइड में ड्रॉ करके देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, तो इसके रूट क्या हो गए, जीरो और बी बाई ए। अब देखो पहली कंडीशन के हिसाब से ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो बी बाई ए कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो b बाई ए पॉजिटिव हो गया, तो ये ग्राफ कैसा हो गया, जीरो तो एक रूट है ही और b बाई ये पॉजिटिव रूट, और इधर क्या है, ऐसा ग्राफ होगा। अपने को क्या करना है, x पे मोड लगाना है, तो जैसा ग्राफ इस साइड में आएगा वैसा ही उस साइड में आएगा, तो जीरो पे देखो क्या आ रहा है, इधर भी वैल्यू कम है इधर भी वैल्यू कम है, जीरो पे वैल्यू इन दोनों पॉइंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब जीरो पे क्या होगा, मैक्सिमा। अब इन पे चेक कर लो, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया मतलब एक रूट तो जीरो और एक रूट नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये जीरो रूट और एक रूट आएगा इधर, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो अपने को लेना है एक्स पे मोड लगा हुआ है, इसका मतलब ऐसे बन जाएगा, तो इस पे तो मिनिमा आ गया ना जीरो पे, तो ये वाला नहीं होगा, ऐसे ही इसको चेक करोगे तो वो भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कोई कर्व है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये कर्व है, देखो टू इंटू साइन कोस दोनों के अंदर एंगल सेम है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास में फंक्शन, e की पावर x, 2 साइन x कोस x, साइन 2x, साइन 2x, 2 से मल्टीप्लाई करो, पाई बाई फोर, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई टू, और x बाई टू होगा तो माइनस x, तो अपने पास में फंक्शन क्या आ गया, y इक्वल टू e टू द पावर cos x, e टू द पावर x इंटू cos x। अब dy by dx की बात कर रहा है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy by dx क्या आ जाएगा, e की पावर x, प्रोडक्ट रूल लगाते, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x इंटू cos x प्लस e की पावर x एज इट इज और cos x का sin x वो भी माइनस का, e की पावर x कॉमन ले लो इसमें से, cos x का क्या आ जाएगा, cos x माइनस sin x, ये आ गया अपने पास में स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये पूछा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिनिमम कब होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिनिमम होगी जब इसका डिफरेंशिएशन है, इसको m मान लो, m मिनिमम कब होगा, जब dm by dx अपन निकाले वो, तो dm by dx क्या आ जाएगा, देखो e की पावर x cos x इंटू साइन x, cos x माइनस साइन x, फिर प्लस आएगा
ए की पावर एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब देखो कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स माइनस का, ये कैंसिल हो गए, तो टू टाइम ई की पावर एक्स साइन एक्स और बीच में साइन कैसा आएगा इससे पहले माइनस का, ये डी एम बाई डी एक्स आएगा। ये जीरो कब होगा, ये तो जीरो होगा नहीं ई की पावर एक्स, तो साइन एक्स जीरो होगा तब ये जीरो हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, ये कहाँ कहाँ पे होगा, x इक्वल टू जीरो पाई टू पाई, जीरो से टू पाई में चेक करना है अपने, जीरो टू जीरो पाई टू पाई। तो अब क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे dm dm स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको मैक्सिमाइज करना है ना, m को मैक्सिमाइज करना है, तो m की वैल्यू निकाल लें किस पे, जीरो पे पाई पे, तो m की वैल्यू जीरो पे क्या आएगी, जीरो रखो कॉस जीरो वन और साइन जीरो जीरो, ई की पावर जीरो वन, तो एम जीरो पे कितना आ जाएगा वन, और पाई पे पाई पे ई की पावर पाई कॉस पाई कितना होता है माइनस वन, साइन पाई जीरो, तो ये क्या आ गया माइनस ई टू दी पावर पाई, और एम का वैल्यू चेक करना है टू पाई पे, ई टू दी पावर टू पाई आएगा, एक तो 2 पाई पे कोस कैसा होगा पॉजिटिव, और साइन कोस 2 पाई पे वैल्यू आ जाएगी 1 और साइन की 0, तो e टू द पावर 2 पाई। अपने को क्या करना है, मिनिमम चेक करना है, मिनिमम क्या है, ये वाला है मिनिमम, तो किस पे मिनिमम आया पाई पे, तो ये वाला पाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें इसने दे रखा है चार स्टेटमेंट S1, S2, S3, S4। द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व, ये कोई कर्व है उस पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पूछा है इसमें। चलो देखते हैं कर्व क्या है अपना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 ए पावर 4, तो क्या हो सकता है कर्व, एक्स वाई इक्वल टू 4 ए स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू माइनस 4 ए स्क्वायर, क्या किया मैंने दोनों साइड में रूट ले लिया। अब इनमें से कन्फर्म करना है अपने को किस पॉइंट के लिए चलना है, तो पॉइंट दे रखा है इसने माइनस 2a, 2a, माइनस 2a, 2a, माइनस 2a, 2a, ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट इनमें से किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको करेगा सेटिस्फाई, ए पॉजिटिव भी है तो माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, तो अपना कर्व क्या बन गया एक्स वाई इक्वल टू 4 ए स्क्वायर, वो भी माइनस का। चलो अब क्या करना है अपने को, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालनी है, तो उसके लिए अपने को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते, एक्स का 1 और वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स, वाई का वैल्यू क्या है 2a और एक्स का वैल्यू माइनस 2a, तो 2a अपॉन 2a कैंसिल और माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है, वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, y का वैल्यू क्या है 2a अपॉन dy बाई डी एक्स 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2a, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या आ रही है 2a आ रही है, इसने भी 2a ही दिया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है ट्रू स्टेटमेंट है, तो पहला अपना क्या हो गया ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बोला इसने x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये कोई इज ए नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व के लिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 क्या है नॉर्मल है एट ए सर्टेन पॉइंट, ये चेक करना है अपने को कि नॉर्मल होगा या नहीं होगा, तो पहले तो ये लाइन लिख लो एक्स प्लस वाई, फिर कर्व क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, नॉर्मल की स्लोप क्या है यहाँ पे माइनस 1, एम ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस,
यहां से देखो टेंजेंट की स्लोप या नॉर्मल की स्लोप निकालते हैं, 2x इक्वल टू 4 टू dy बाई dx, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया, माइनस x बाई 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, माइनस 2 अपॉन x, माइनस क्या हो जाएगा यहां पे, प्लस हो जाएगा, रिवर्स करना होता है, माइनस 1 अपॉन m, ये और ये इक्वल होनी चाहिए नॉर्मल की स्लोप, 2 अपॉन x, ये किसके इक्वल हो गया, सर ये माइनस x बाई 2 नहीं, प्लस x बाई 2, क्यों, क्योंकि ये x बाई 2 प्लस का ये, तो इधर क्या आ जाएगी स्लोप अपनी, माइनस 2x, माइनस 2 अपॉन x, माइनस 2 अपॉन x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 के, तो x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास में, 2, x का वैल्यू 2 आ गया, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें पुट कर दो, 4 इक्वल टू 4y, तो y का वैल्यू आ गया 1, और 2 और 1 क्या, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 2 और 1 इस पे भी है, और नॉर्मल की स्लोप क्या है, माइनस 1, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगी, नॉर्मल, ये पूछा इसने नॉर्मल होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू, तो दोनों स्टेटमेंट अपने क्या हो गए अभी तक के, तो ट्रू हो गए। फिर देखो कर्व, ये दोनों कर्व पूछ रहा है कैसे ऑर्थोगोनल है या नहीं है, फर्स्ट कर्व है माइनस 4x स्क्वायर और सेकंड कर्व क्या है e टू द पावर माइनस x बाई 2। e टू द पावर माइनस x बाई 2 का ग्राफ देखना कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होगा, और माइनस 4x स्क्वायर का, अब देखो दोनों कर्व कहीं टच भी नहीं कर रहे, कट भी नहीं कर रहे, इसका मतलब कहीं कट टच नहीं करेंगे तो ऑर्थोगोनल तो अपन कैसे चेक करेंगे, तो ऑर्थोगोनल ये वाले नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थ्री स्टेटमेंट चेक हो चुके अपने, तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इफ ए बिलोंग्स टू माइनस 1 से 0 देन टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व, तो इन इसके हर पॉइंट पे टेंजेंट क्या होनी चाहिए, मैक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव, एक्यूट एंगल मतलब टेन थीटा, सो स्लोप डी वाई बाई डी एक्स का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है यहाँ से, 2/3x³, 2x² माइनस 4ax प्लस 2, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कब होगा, जब इसका डिफरेंस डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नेगेटिव, तो माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16, तो क्या आ गया अपने पास में, ए स्क्वायर माइनस 1 इज नेगेटिव, तो a का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 1 से 1, और ये बोल रहा है माइनस 1 से 0 होना चाहिए, तो वे भी सही हो जाएगा, सबसेट हो गया, तो ये वाला भी ट्रू हो गया, तो TTFT सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। S1 ये कोई फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स 1 माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस 1/2, 1, इसने चेक करना है कि ये वाला फंक्शन है ना वो माइनस 1/2 से 1 में क्या है, इंक्रीजिंग है नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन से चेक होगा। फंक्शन देखो एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा इसके लिए, पहले इसका कर दो 1 और ये e टू द पावर x इंटू 1 माइनस x एज इट इज आ जाएगा, फिर x का एज इट इज रख लो और e टू द पावर x वाले का कर दो 1 माइनस, चैन रूल से हो जाएगा, इसका क्या होगा 1 माइनस 2x x माइनस x स्क्वायर, तो x का 1 और x स्क्वायर का 2x, अब देखो क्या बन रहा है e टू द पावर x इंटू 1 माइनस x, ये तो दोनों जगह दिख रहा है, इसको कॉमन ले लो 1, x इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2x स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, इसने बोला इंक्रीजिंग चेक करना है, तो ये इंक्रीजिंग के लिए f डेस x पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाला चीज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये तो वैसे भी दिख रहा है अपने को पॉजिटिव है, तो इसको जीरो में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इनइक्वालिटी के साइन पे, तो ये वाला
और मैं क्या कर रहा हूँ, साथ साथ में माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, साइन चेंज हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने में। अब देखो इसके फैक्टर क्या है, टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये क्या फैक्टर है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस, ठीक है ये। तो ये नेगेटिव कब कब होगा, माइनस वन बाई टू और ये वन, प्लस माइनस प्लस, माइनस वन बाई टू से वन में ये कैसा होगा, नेगेटिव। अपने को ये पूछा है माइनस वन बाई टू से वन में, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अपने सेकेंड स्टेटमेंट है इसने बोला है क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू की पावर टू बाई थ्री एंड टू एक्स प्लस वन, इसके क्रिटिकल पॉइंट पता करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट एफ एक्स एफ डेस एक्स से ही पता चलते, एफ डेस एक्स एक्स माइनस टू की पावर टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री एक्स माइनस टू की पावर माइनस वन अपॉन थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन, फिर ये तो एज इट इज रह जाएगा फर्स्ट वाला x माइनस टू की पावर टू बाई थ्री, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखो वन बाई थ्री पावर नीचे होगी, इससे एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगी, ये वन बाई थ्री और टू बाई थ्री वन, ये टू कॉमन ले लेते एक, और x की पावर x माइनस टू की पावर वन बाई थ्री, ये डिनोमिनेटर में रह जाएगा। यहाँ पे क्या है, थ्री अपॉन थ्री, तो एक थ्री भी बाहर ले लो, टू अपॉन में थ्री इंटू एक्स माइनस टू की पावर वन बाई थ्री, थ्री भी एलसीएम ले लिया अपन ने, तो एक्स माइनस टू ये तो डिनोमिनेटर में था, टू बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बचेगा, टू एक्स प्लस वन, और यहां पे टू वो वाला बाहर आ गया, और ये x माइनस टू की पावर टू बाई थ्री और वन बाई थ्री, तो वन हो गई, और ये एक थ्री उससे मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस सिक्स। क्रिटिकल पॉइंट के लिए x माइनस टू की पावर वन बाई थ्री, टू एक्स प्लस थ्री एक्स फाइव एक्स और माइनस फाइव, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, एक तो यहाँ पे ये जीरो कर देगा और एक ये इनफाइनाइट बना देगा, तो एक हो जाएगा x इक्वल टू टू। तो कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, वन एंड टू बोल रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू हो गए अपने, तो थर्ड चेक कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, थर्ड पे चलो। एस थ्री एक फंक्शन है, देन एफ एक्स इज मोनोटोनिक फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स का एफ डेस एक्स निकाल ले उसके लिए, मोनोटोनिक ये सब चेक करने के लिए अपने को एफ डेस एक्स चाहिए, तो एफ डेस एक्स क्या आ गया इसके लिए, टू, टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू और कोट इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और लॉग का, पहले तो वन अपॉन ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और माइनस एक्स, अब इसका अंदर वाले का क्या होगा, वन अपॉन टू टाइम रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स और माइनस का वन। देखो ये मल्टीप्लाई होगा टू से, तो टू कैंसिल, तो एक्स माइनस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये बच जाएगा, तो ये और ये बेसिकली माइनस से डिफर है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म है ना, वन से हमेशा बड़ा रहेगा नीचे वाला, है ना, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, वन या वन से छोटा, सेम इसके लिए ये भी वन या वन से छोटा, तो ये दोनों मिला के टू या टू से छोटे रहेंगे, तो ओवरऑल ये कैसा रहेगा, या तो जीरो रहेगा या जीरो से बड़ा। तो एफ डेस एक्स क्या है, जीरो या जीरो से बड़ा है, तो मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग हो गया तो इंक्रीजिंग कैसा होता है, मोनोटोनिक, तो ये वाला भी क्या हो गया, ट्रू। अब स्टेटमेंट फोर चेक करना है, एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स देन एफ स्क्वायर एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एक तो यहाँ पे है ना, ये ऐसे लिख लेना एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स,
फिर क्या करना है, एफ स्क्वायर एक्स चेक करना है अपने, वो कैसा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो। तो अपन इसका डिफरेंशिएशन कर दे, एफ स्क्वायर एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट क्या आएगा, टू टाइम एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स। इसी को चेक करना है इसका साइन कैसा है, और ये इसमें दे रखा है कि कैसा है ये, नेगेटिव। तो नेगेटिव है इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो इसका मतलब वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो ये चारों स्टेटमेंट ट्रू हो गए, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग एक्स 0 to 1, एफ ऑफ 0, ये सब कुछ डेटा दिया हुआ है, और एक कंडीशन गिवन है एफ डैश सी इक्वल टू 2 टाइम जी डैश सी देन g1 इक्वल टू। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन अज्यूम कर लेता हूँ एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस 2 gx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यही आ जाएगा एफ डैश सी माइनस 2 g' c। एच ऑफ 0, देखो 0 और 1 दो वैल्यू दे रखी है, तो 0 पे चेक करते हैं। एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्या है 2, और जी ऑफ 0 क्या है 0, तो माइनस 0। तो एच ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ गया 2। एच ऑफ 1, एच एक्स का वैल्यू 1 पे, 1 पे कितना है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 है 6, और माइनस 2 जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 का वैल्यू गिवन नहीं है, यही पूछा है अपने जी ऑफ 1। अब इसने बोला है कि एफ एफ डैश सी इक्वल टू 2 g' c, तो ये कंडीशन किसकी, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की है ना, जब एच जीरो और एच वन इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब एच जीरो और एच वन इक्वल हो तब ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। तो अपने को क्या करना है, एच जीरो और एच वन को इक्वल पुट करना है, एच जीरो 2 और 6 माइनस 2 g1 उधर जाएगा, तो 2 g1 प्लस का हो जाएगा, इससे 6 माइनस 2 4 4/2, तो जी वन का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 13, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव देन द मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो यही देख लो क्या बन रहा है, ये इसको मल्टीप्लाई कर देते 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1/ab, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके तो क्या होगा, ऐड करेंगे सॉरी ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1/ab 1/ab, तो ये क्या हो गया 2/ab। तो ये बेसिकली अपने पास में क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब एक कंडीशन अपने को पता है कि gm जो होता है ना केने भी दो नंबर का, वो किससे छोटा या इक्वल हो, am के। और इसने क्या बोला है, दोनों अलग अलग है क्या, नहीं ऐसा तो कुछ, जी एम इज लेस देन ए एम, तो जी एम क्या है ए बी रूट लेस देन ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू 1 है, स्क्वायर कर देंगे तो ए बी का 1/4, तो ए बी किससे छोटा आ गया 1/4 से, तो 1/ab किससे बड़ा हो जाएगा 4 से, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 2/ab, 8 से बड़ा हो गया, इसमें 1 ऐड कर दूं तो 1 + 2/ab इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, और रूट ले ले तो ग्रेटर देन 3। ये तो कैलकुलेट करना है अपने, ये किससे बड़ा होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 3, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। द फंक्शन वेयर एफ एक्स विल हैव एन इनवर्स देन, सबसे पहले तो एफ एक्स को चेक कर लेते हैं क्या है, एक क्यूबिक है, ग्राफ देखो इसका कैसा होगा, एफ डैश एक्स चेक करेंगे पहले तो इससे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे अपने पास में, तो ये आ जाएगा 6x² - 6x + 6, 6 कॉमन आ जाएगा, x² - x + 6, ये
सिक्स का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया ना, सिक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स के वैल्यू क्या आ गए, जब एफ डैश एक्स जीरो होगा तो एक तो आएगा जीरो और एक वन, तो कहाँ कहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम आएगा, ऐसा ग्राफ होगा इसका। ये देखो जीरो पे मैक्सिमम आएगा और वन पे मिनिमम आएगा, तो ये वाला पॉइंट अपना क्या हो गया जीरो। जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है सिक्स, जीरो कॉमा सिक्स, और वन पे वैल्यू टू माइनस थ्री प्लस सिक्स, तो ये आ रही है फाइव, फाइव आ रही है। इसका मतलब एक्स एक्सिस यहाँ कहीं पे होगा, एक्स एक्सिस यहाँ कहीं पे होगा, ये वाला वैल्यू क्या है। अब देखो इसने पूछा है कि इनवर्स बनाना है अपने को, ये तो जीरो है और ये क्या है वन, इनवर्स बनाना है तो इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, वन 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 टू होना चाहिए फंक्शन, और अपने को चलना है कि इनफाइनाइट तक जाए एक्स का वैल्यू भी, तो यहाँ से कहीं से चलेंगे तब तो इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो बीच में कहीं ना कहीं मैनी वन बन जाएगा ये, तो ये वाला पॉइंट है ना वन, यहाँ से आगे कहीं पे भी चले जाओ आप डोमेन में, तो ये कैसा आएगा वन वन ही आएगा। अपने को मिनिमम पूछा है इसने, मिनिमम तो सबसे छोटे के लिए तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो डोमेन क्या आ जाएगा वन टू इनफाइनाइट, और रेंज क्या आ जाएगा यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है फाइव, फाइव टू इनफाइनाइट, ऐसे फंक्शन डिफाइन हो ना तब क्या हो जाएगा वन वन। अब देखो इससे आगे लेके जाते मान लो टू से इनफाइनाइट करते, तो ये टू से इनफाइनाइट हो गया, और फिर टू पे की वैल्यू कितनी आती है इसकी, कुछ आती है टू पे सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स, सिक्सटीन और सिक्स ट्वेंटी टू माइनस ट्वेल्व, तो टेन आ जाता, तो रेंज क्या आती टेन टू इन्फिनिटी। अब देखो ए और बी को ऐड करो, यहाँ पे टू और टेन ट्वेल्व, और यहाँ पे वन और फाइव सिक्स, तो सिक्स वाला मिनिमम है ना, तो ये वाला नहीं लेंगे, तो ये सही हो जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा सिक्स, फाइव प्लस वन सिक्स। नेक्स्ट देखो इसमें फॉर द फंक्शन, एक फंक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए लोकल मैक्सिमम अकर्स एट एक्स इक्वल टू टू, तो मैक्सिमम मिनिमम का कुछ कंसेप्ट है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन चाहिए उसके लिए, तो एफ डे सेक्स देखो क्या है, एफ डे सेक्स विल बी डिफरेंशिएशन करता है इंटीग्रेशन का है, तो पहले तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर रख दो टी की जगह, तो ई टू द पावर माइनस एक्स पावर फोर अपॉन फोर और फोर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस क्या आएगा जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, तो आगे का सब कुछ क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो इसमें क्या आएगा, अब मैं इसके फैक्टर बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर के फैक्टर क्या होंगे एक्स माइनस टू और एक्स माइनस एक्स प्लस टू, तो माइनस टू माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, साथ में क्या है ई टू द पावर माइनस एक्स पावर फोर अपॉन फोर। अब एफ डे एक्स का साइन चेक करना है अपने को, उससे पता लगा ले क्या क्या पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, माइनस टू एक तो, फिर क्या है जीरो, फिर क्या है टू, टू से आगे देखो वैसे तो ये तीनों पॉजिटिव होंगे बट ओवरऑल ये माइनस लगा हुआ तो ये क्या बना देगा नेगेटिव, और फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो टू पे डिफरेंशिएशन कैसा है जीरो है, और टू से पहले पॉजिटिव और टू पे टू के आगे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब इस पे क्या आएगा मैक्सिमा और जीरो पे मिनिमा और इस पे फिर से मैक्सिमा। अब ऑप्शन देखो ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू टू, बिल्कुल सही है ये तो, लोकल मैक्सिमम एट माइनस टू ये भी सही है, लोकल मैक्सिमम एट जीरो, जीरो पे तो क्या है मिनिमा है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया, लोकल मिनिमम ये सही हो गया, तो थर्ड वाला सही, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसमें सेक्शन बी है अपना, इसमें क्या है इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, फाइव इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इनको देखते हैं अपन वन बाय वन। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसने क्या है ये बेसिकली डिफरेंट अपने को क्या दिख रही है डिस्टेंस का स्क्वायर दिख रहा है, किसके बीच में डिस्टेंस है दो पॉइंट है, देखो एक तो है एक्स वन कॉमा रूट ऑफ टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, एक तो ये पॉइंट है, इसको अज्यूम कर लेते हैं क्या पॉइंट है ए पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है एक्स टू कॉमा
9 बाई एक्स टू। देखो इनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो है ये। चलो इसको देख के पता लगाओ कि ये किस पे हो सकता है, एक्स वन कॉमा टू माइनस, इसमें x का वैल्यू रखोगे तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका लोकस क्या आ जाएगा, टू। ये देख रहे हो ये दोनों, ये पॉइंट किस पे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक्स का वैल्यू एक्स वन अज्यूम करोगे तो वाई का वैल्यू क्या जाएगा, टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर का रूट। तो ये ए तो इस पे होगा और बी किस पे होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है, तो लोकस क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 9। और ये डिस्टेंस क्या चाहिए अपने को, मिनिमम चाहिए। दो कर्व पे, दो अलग अलग कर्व पे एक एक पॉइंट है, उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम करनी। कर्व कैसे है देखो, एक तो ये सर्कल है, ओरिजिन है जिसका सेंटर, और दूसरा क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 9। ये कोई इलेप्टिकल हाइपरबोला, एक पॉइंट तो है ये ए और दूसरा पॉइंट है ये बी, तभी डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। बाकी जगह देखो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये बेसिकली क्या है अपना, वाई इक्वल टू एक्स लाइन ही है। सिमेट्री से पता लगा सकते हैं अपन, वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो सर्कल पे और दूसरा एक्स वाई इक्वल टू 9, जो कि क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ए पे पॉइंट पे ए पॉइंट निकालना है तो इसके अंदर एक्स और वाई इक्वल कर दे तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 और माइनस 1 आएगा, उसको लेना नहीं अपने को, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, एक पॉइंट से काम चल जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 आ गया तो वाई भी 1 ही होना चाहिए, वाई इक्वल टू 1 पे ना, तो ए पॉइंट तो ये आ गया अपने पास। और बी क्या है इस पे, तो एक्स और वाई को इसमें भी इक्वल रख दो 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3, तो वाई का वैल्यू भी 3 हो गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपने पास में बी। ए बी का मिनिमम वैल्यू निकालना है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और 3 माइनस 1 ये भी 4, स्क्वायर ही निकालना है तो रूट लगाना नहीं है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 8। ने यही पूछा है इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, तो आंसर आ जाएगा 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या करना है अपने को, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए साइन टू एक्स माइनस 1/3 थ्रू इंक्रीजेज थ्रू आउट द नंबर लाइन। इंक्रीजेज चेक करना है, इसका मतलब एफ डेस एक्स क्या होना चाहिए अपना, चलो एफ डेस एक्स क्या आएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स माइनस 2 ए कोस 2 एक्स, 1/3 साइन 3x का 3 cos 3x, 3 से 3 कैंसिल तो माइनस cos 3x, और फिर क्या आएगा 2ax, तो 2ax का 2। अब देखो सिंपल जो क्या करना है अपने को, cos x वाली टर्म्स है ना उनको तो साथ में रख लो, 2a वाली टर्म्स को एक साथ रख लो, तो ये क्या है cos x माइनस cos 3x प्लस 2a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस 2 cos 2x, cos x माइनस cos 3x, cos c माइनस d, तो 2 sin c प्लस d by 2 और sin d माइनस c by 2, तो क्या आ जाएगा sin x प्लस 2a, और 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 sin square x, देखो 2 sin sin 2x क्या आ जाएगा 2 sin x cos x, तो ये क्या हो जाएगा 4 sin square x cos x, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, 4 साइन स्क्वायर इसमें भी है, तो दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचेगा यहाँ पे, तो बचेगा सिर्फ कोस एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा ए। अब ये अपने को पॉजिटिव करना है, ये वाला तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, 4 भी पॉजिटिव, साइन स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या होना चाहिए ए प्लस कोस एक्स, कोस एक्स उधर जाएगा तो ए किससे बड़ा होना चाहिए माइनस कोस एक्स से। अब देखो इसके सबसे छोटे वैल्यू से बड़ा हो गया तो सबसे बड़े से तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो एक इससे बड़ा होना चाहिए माइनस वन, इसका सबसे छोटा वैल्यू होता तो एक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन इंटू, ये माइनस बाहर है, तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब इसने 1 की जगह लैम्डा लिख रखा है तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1,
तो सेकंड के लिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कोन इज मेड फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस √3। कोई कोन बनाया जाता है, सर्कुलर शीट है अपने पास में √3, रेडियस क्या है √3। आगे देखो, कटिंग आउट ए सेक्टर, कोई सेक्टर कट कर रहे हैं, ऐसी रेक्टेंगुलर शीट है उसमें से ऐसे मान लो एक सेक्टर कट कर रहे हैं, ऐसा सेक्टर आ गया, उसको ऐसे मोड़ के मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा कट कर लिया और फिर ऐसे मिला देंगे तो एक कोन बन जाएगा अपने पास में। तो उसी कोन का कुछ डिटेल्स इसने पूछी है, एंड कीपिंग द कट एजेज ऑफ द रिमेनिंग पेज टुगेदर, इसको साथ में करना है। और तो देखो ये ऐसा कोन बनेगा, इससे ये वाली जो स्लेंट हाइट है ना इसकी, ये √3 है, ये तो अपनी रहेगी रेडियस और ये रहेगी कोन की हाइट। अब एक अपने को पता है ये यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, तो h² + r² = 3। द मैक्सिमम वॉल्यूम अटेंडेबल फॉर द कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 π r² h। आर स्क्वायर का वैल्यू देखो 3 - h² और h यहाँ पे, मैक्सिमम वॉल्यूम देखना है तो dv/dh निकालना है, तो dv/dh क्या आएगा, इधर देख लेते हैं इसको, या फिर फ्रेश dv/dh 1/3 और पाई, ये तो बाहर है, जेट इज ए कॉन्स्टेंट। अब देखो h × 3, ये 3h - h³ का डिफरेंशिएशन करना है, 3h का डिफरेंशिएशन 3 और h³ का 3h² 3 कॉमन लोगे तो h² - 1 बनेगा, तो ये डिफरेंशिएशन 0 कहाँ कहाँ पे होगा, h = 1 और -1 पे, 1 और -1 पे अपने को v चेक कर लेते हैं, जिस पे ज़्यादा होगा वही मैक्सिमम रहेगा। तो v मैक्सिमम कब आएगा, 1/3 × π, तो π/3 और 1 रखेंगे तब ये पॉजिटिव आएगा और -1 पे नेगेटिव, तो अपने को वॉल्यूम है तो वो पॉजिटिव होता है तो 1 ही रख दो, तो 3 - h² 1 का स्क्वायर 1 और 1 × तो ये क्या आ गया 2π/3, ये मैक्सिमम आया है। तो इसने क्या पूछा है, अटेनेबल फॉर द कोन इज λ π/3 2π/3, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो गया 3, तो आंसर इसका हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसमें, एक क्यूबिक एफएक्स वेनिसेस एट x = -2। देखो क्यूबिक का कोई एफएक्स वो -2 पे 0 हो रहा है और उसके रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम क्या है, -1 और 1/3 पे, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो मैक्सिमम मिनिमम कब जीरो होता है, ये डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है, जब मैक्सिमम मिनिमम पे जीरो होता है। तो एफ डेस एक्स अपन क्या लिख सकते हैं, और क्यूबिक है तो इसके दो ही मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके दो ही रूट आएंगे, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a × x + 1 और 3x - 1। अब देखो ये एफ डेस एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, -1 पे और 1/3 पे, तो मैक्सिमम मिनिमम इसी पे आएंगे, तो एफ डेस एक्स अपने पास में आ गया, तो एफ डेस एक्स आ गया तो एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स देखो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डेस एक्स पहले तो सिंपल थोड़ा सा लिख लेते हैं, 3x² और +2x और -1, इसका इंटीग्रेशन करो, ए तो है ही ऐसी चीज, 3x² का इंटीग्रेशन x³ और 2x का इंटीग्रेशन x² और -x प्लस कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसने बोला है कि ये x = -2 पे 0 हो रहा है तो -2 इसमें पुट कर दो, -2 पे -8 और +4 -+2 4 + 2 = 6 -8 -2a, तो क्या है ये एक इक्वेशन -2a + c = 0, तो c का वैल्यू क्या आ गया अपने पास में। अब इसने पूछा है, बताया एक कंडीशन और दी है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन -1 से 1 में, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो -1 से 1 a × x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, किसके रिस्पेक्ट में? डी एक्स के। कितना आ रहा है? 14/3। अब देखो ये क्या बन रहा है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर 4/4 और 1 और माइनस 1 लिमिट लगाएंगे तो वो वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब बाई 3, तो ए बाई 3 तो ये आ गया, एक्स क्यूब पे 1 पे 1 का क्यूब 1 और माइनस माइनस 1 का क्यूब, तो ये ओवरऑल मिलके क्या हो गया 2। माइनस एक्स पे क्या आएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 और माइनस 1 पे ये जीरो हो जाएगा, और सी पे क्या आएगा सी एक्स, तो सी एक्स के लिए क्या हो जाएगा 2c 14/3। तो 2a 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे ये क्या आ जाएगा a प्लस 3c इक्वल टू 7। और अपने पास में c का वैल्यू क्या है 2a, तो c का वैल्यू इसमें 2a रखेंगे तो 6a प्लस a 7a इक्वल टू 7, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, a का वैल्यू आ गया 1, तो c का वैल्यू क्या आ गया 2, तो fx क्या आ जाएगा fx इक्वल टू a का वैल्यू 1 रख दो तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसने माइनस एक्स प्लस 2 तो दे दिया है, पूछा क्या है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, एक्स क्यूब का कोफिशियंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट का सम पूछा है, तो 1 प्लस 1 2 आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स वन एंड लोकल मिनिमम, सेम इसमें भी मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट है, तो अपन क्या करेंगे एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से। क्या आएगा एफ डैश एक्स, 6x² माइनस 6 इंटू ए प्लस 1 इंटू एक्स, फिर 6a और माइनस 0, 6 कॉमन आ रहा है पूरे में से, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। अब देखो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं अपने पास में, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस ए, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस ए एफ डे एक्स, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गए एक्स इक्वल टू 1 और ए। अब इसने बोला है कि एक पॉइंट एक्स 1 तो मैक्सिमम और एक्स 2 मिनिमम है, अपने को पता नहीं कौन सा मिनिमम कौन सा एक्स 1 है और कौन सा एक्स 2 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ एक बार तो x1 को क्या मान लेता हूँ 1 और x2 क्या हो जाएगा a। अब कंडीशन एक और दी हुई है इसने 2x1 इक्वल टू x2, 2x1 2 इंटू 1 इक्वल टू x2, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 2। अब उल्टा भी तो हो सकता है x1 का वैल्यू क्या हो a और x2 का वैल्यू 1, सेम वो कंडीशन अप्लाई करो 2 इंटू x1 इक्वल टू x2, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1/2, तो a का वैल्यू 2 भी हो सकता है 1/2 हो सकता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी 2 होगी ना, आंसर इसका क्या हो गया। इसके साथ में अपना मेन वाला पार्ट तो कंप्लीट होता है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना एडवांस सेक्शन डीसीएम 27 का ना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में है पैराग्राफ में, इसमें दो क्वेश्चन अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो पहले पैराग्राफ को देख लेते हैं क्या है, लेट वाई इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी एक्स, बी ए कर्व विच है एक फंक्शन है, वाई इक्वल टू फंक्शन क्या सॉरी कर्व ये प्लस बी एक्स विच हैज स्लोप इक्वल टू माइनस 1/2 8, तो डी वाई बाई डी एक्स है ना किस पॉइंट पे 9,0 पे क्या है -1/2, ऑल्सो कंसिडर ए फैमिली ऑफ लाइन्स, ये सब देखते हैं चलो। तो नेक्स्ट है इसमें क्या करेंगे अपन, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स का यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन, पहले 9,0 भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना 9,0, तो 0 इक्वल टू ए रूट 9 प्लस बी इंटू 9, ये कंडीशन लगा लेते हैं, 9 का रूट कितना आएगा 3, तो 3a प्लस 9b इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या आ गया माइनस ऑफ 3b। अब इसके बाद में देखते हैं dy by dx,
डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ए रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस बी। 9,0 पे डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू है -1/2, तो -1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 9/9,0 पे ए अपॉन 2 इंटू रूट 9 प्लस बी। देखो 9 का रूट लेंगे ना तो 3 आ जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कंप्लीट इक्वेशन को, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर तो आएगा -3 और ये ए प्लस 6b। अपने पास में एक इक्वेशन ऑलरेडी है तो ए का वैल्यू -3b रखोगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3b प्लस 6b, तो 3b इक्वल टू -3, तो बी का वैल्यू आ गया अपने पास में -1 और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर 3। तो फंक्शन क्या हो गया, कर्व क्या हो गया अपना 3√x - x, ये हो जाएगा कर्व। चलो ठीक, 3√x - x। अब देख लो क्या करना है, फर्स्ट पूछा इसने, फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन से ही पता चलेगा, डिफरेंशिएशन ये रहा a का वैल्यू, डिफरेंशिएशन a और b के वैल्यू रख दो तो dy / dx क्या आ रहा है इसमें, a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 अपॉन 2√x प्लस b, b का वैल्यू -1, तो ये डिफरेंशिएशन है। ये मैक्सिमम कब बनेगा, जब डिफरेंशिएशन 0 हो, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ से इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 9/4, तो y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जब x का वैल्यू 9/4 रखोगे तो 3 × 9/4। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, -9/4, 9/4 का रूट कितना आ गया 3/2, 3 × 3/2 9/2 -9/4, तो ये कितना आ गया 9/4, 1/2 -1/4, तो 1/4 आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 9/4, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। चलो अपन फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चलो पहले फंक्शन को लिख लेते कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी, 3√x - x, 3√x - x ये अपना कर्व है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इसने, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इसी कर्व पे सेम ए और बी के वैल्यू अपने पास में आ गए, फैमिली ऑफ लाइन बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन ये रही, इस फैमिली ऑफ लाइन से बिलोंग करे मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो वो लाइन, वो जो भी टेंजेंट आएगी, तो अपन पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट चेक कर लेते, y इक्वल टू 2x और 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 2x रखो, 4x माइनस 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1 और y का वैल्यू 2, तो इन दोनों का ये वाला जो कंसीडर है फैमिली ऑफ लाइन है ना, ये किससे पास होता है हमेशा 1,2 से, इसमें 1 चेक करो 3 - 1 तो 2, ये कर्व भी 1,2 से पास हो रहा है, इसका मतलब 1,2 पे कोई ना कोई टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी जो इस फैमिली ऑफ लाइन, देखो ऐसा कोई कर्व है, मान लो ये 1,2 पॉइंट है, इससे काफ़ी सारी लाइन पास हो रही है, तो एक लाइन ऐसी भी होगी जो इस पे टेंजेंट बनेगी, अपने को वही फाइंड आउट करना, 1,2 पे टेंजेंट निकाल लें कुल मिला के, यही बात 1,2 पे टेंजेंट निकाल लें, तो डीवाई बाई डी एक्स देखो पहले 3 upon 2√x - 1, एक्स का वैल्यू क्या रखना है 1 3/2 - 1, तो स्लोप क्या आ गई अपनी 1/2। अब इक्वेशन निकाल लो, 1 पॉइंट फॉर्मूला है अपने पास में, पॉइंट है स्लोप है y - 2y - y1 = m(x - 1), तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y - 4 = x - 1, तो 2y दिख रहा है, देखो इसको इधर लेके आएंगे 4 को, तो 3 बन जाएगा x + 3 - 2y, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है सेक्शन बी में, किस टाइप के क्वेश्चन है, मोर देन वन टाइप। पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ द फंक्शन fx = ax (e−bx) हैज ए लोकल मैक्सिमम एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मतलब ये वाला पॉइंट इस फंक्शन पे होगा, पहले तो
ये वाला पॉइंट रख देंगे। दूसरा क्या है, 2,0 पे मैक्सिमा आएगा, इसका मतलब 2,0 पे एफ डे सेक्स जीरो होगा। सबसे पहले देखो इसका एफ डे सेक्स, एफ डे सेक्स क्या आएगा, ए ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए और ई टू दी पावर माइनस बी एक्स को एज इट इज रख लो, फिर ए एक्स को एज इट इज रख लो और ई टू दी पावर माइनस बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई टू दी पावर माइनस बी एक्स इंटू माइनस बी, किस पे जीरो होगा, 2,0 पे, एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, 2 पुट करो ए तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस बी एक्स ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे ए बी एक्स ए कॉमन आ गया, ए ई टू दी पावर माइनस बी एक्स ये भी चला गया तो बी एक्स बचा ना, और x की जगह अपने को क्या रखना है 2, तो माइनस 2b, तो b का वैल्यू क्या आ गया अपने पास में 1/2, b का वैल्यू आ गया 1/2, तो एक ऑप्शन तो अपना ये वाला सही हो गया। अब a का ऑप्शन थर्ड तो गलत हो गया, एक फर्स्ट और सेकंड में से और चेक करना है, a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालने के लिए अपने पास में एक कंडीशन और है, 2,10 पे क्या हो रहा है, ये पास कर रहा है ना पॉइंट 2,10 पे, तो y का वैल्यू 10 इक्वल टू x का वैल्यू 2 रखना है, तो 2a e टू द पावर माइनस b, b का वैल्यू 1/2 आ चुका है और x का वैल्यू 2 रखना है, तो 2 से 2 कैंसिल, e टू द पावर माइनस 1, इससे क्या आ जाएगा 5, तो 5 इक्वल टू a अपॉन e टू द पावर माइनस 1, तो a का वैल्यू आ गया 5 टाइम्स e, 5 ये ए का वैल्यू आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट सही हो गया, सेकंड, तो 1 और 4 ऑप्शन सही हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर एफ एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है वो चेक करना है, एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मैक्सिमम वैल्यू, एक्सट्रीमम, ये सब पूछा है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सबसे पहले तो देखते हैं ये फंक्शन कैसा है, दिखता कैसा है, ग्राफ से चेक करेंगे वो सब, कहाँ कहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, जीरो पे, ये वाई एक्सिस में जाए, ये जीरो और वन पे, देखो वन के आगे अपने पास में कैसा है, रूट एक्स वाला है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला कर्व टाइप आएगा, वन पे वैल्यू क्या है 1, ये ऐसा वाला कर्व है, ये पॉइंट क्या हो गया 1,1 और ग्राफ क्या हो गया वाई इक्वल टू रूट एक्स, इस पर देखो क्लोज इंटरवल है क्योंकि ये इंक्लूड है ना 1 और 0 से 1 के बीच में एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब तो ऐसा होगा, ये एक्स क्यूब हो गया, 0 पे ये भी इंक्लूड है और उससे पहले 0 से पहले क्या है ये वाला ग्राफ है एक्स क्यूब, ये कोई क्यूबिक होगी, पता लगाना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो 2 और माइनस 2 पे होगा, तो 2 वाला तो लेना नहीं है, वो आगे आ जाएगा, ग्राफ अपना इधर ही बनना है, तो माइनस 2 पे मैक्सिमा आएगा इसमें, ये लो माइनस 2 मैक्सिमा आएगा, माइनस 2 पे मैक्सिमा और 2 पे मिनिमा, तो वो वाला अपने को चाहिए नहीं, और 0 से ये पास भी हो रहा है, देखो 0 पुट करेंगे 0 हो रहा है, तो ये वाला कर्व ऐसा बन गया, ये तो हो गया अपना वाई इक्वल टू एक्स क्यूब और ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x, ये ग्राफ बन गया। अब चेक करना है एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक माइनस 2 से इंक्रीज कर रहा है और 0 टू इनफाइनाइट यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों इंक्रीजिंग कर्व है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा देखो, फंक्शन अटेन इट्स एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एक्स वन, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है, एक तो माइनस 2 पे और एक 0 पे, ये दो ही आ रहे, बाकी तो कहीं मैक्सिमम मिनिमा आ नहीं रहे, तो x1 और x2 क्या होंगे, माइनस 1 और 0 में से कोई एक हो जाएगा, तो दोनों का सम क्या होगा, माइनस 2 प्लस 0 या फिर 0 प्लस माइनस 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 2, तो ये वाला भी सही हो गया। इसने पूछा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, नॉट डिफरेंशिएबल, दो पॉइंट बाकी सब जगह तो है, देखो ये वाला पॉइंट दिक्कत कर सकता है या फिर ये वाला, बाकी ये तो डिफरेंशिएबल है तीनों कर, ये पॉइंट चेक करने हैं। फोर्थ ऑप्शन है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस तो कहीं पे है नहीं, ये वाला तो साफ साफ गलत हो गया।
अब अपने को डिफरेंशियबल चेक करना है इन दोनों पॉइंट्स पे। इस पे देखो डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लें एफ डेस जीरो माइनस के लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इस पे, इस साइड में कर्व कौन सा है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, जीरो माइनस पे क्या है माइनस फोर आएगा, और जीरो प्लस पे एक्स क्यूब है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और जीरो रखेंगे तो जीरो। देखो एक साइड में स्लोप क्या है माइनस फोर, दूसरी साइड में स्लोप जीरो, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर चेक करना है अपने को वन पे, वन पे कैसे चेक करेंगे सेम वही मेथड, वन से पहले जीरो वन माइनस पे एक्स क्यूब वाला कर्व है तो थ्री एक्स स्क्वायर ये आएगा डिफरेंशिएशन थ्री इंटू वन, तो स्लोप क्या आ गई टेंजेंट की थ्री। अब जीरो वन से आगे, वन से आगे क्या होगा वन अपॉन टू रूट एक्स, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का, यहाँ पे वन रखो वन अपॉन टू रूट वन, तो क्या आ गया डिफरेंशिएशन वन बाई टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे वन बाई टू, यहाँ पे थ्री, एक साइड का मैंने डिफरेंशिएशन थ्री, एक साइड में वन बाई टू, तो इक्वल नहीं आया ना, इसका मतलब इस पॉइंट में भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसने क्या बोला है फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट टू पॉइंट्स, बिल्कुल सही है, ये दो ही पॉइंट हैं, इनके अलावा सब जगह डिफरेंशिएबल रहेगा, तो कौन से सही हो गए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस फंक्शन, ये फंक्शन क्या है देखो एफ एक्स, पहले तो इसी को लिख लेते हैं कॉस ऑफ, देखो टी माइनस टी, टी माइनस बॉक्स ऑफ टी, एक्स स्क्वायर को टी माने तो टी माइनस बॉक्स ऑफ टी, तो वो क्या बनता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी, यही है x belongs to minus 1 से 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0 से 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 से 1, 0 से 1 रहेगा तो कहीं पे 0 हो जाएगा ना, तो ये cos स्क्वायर x का ग्राफ देख लेते इवन, इवन बोल रहा है पहला फंक्शन, तो पहला ऑप्शन तो देखो फंक्शन इज इवन, तो फंक्शन तो बिल्कुल इवन होगा, x स्क्वायर आ रहा है, x की जगह माइनस x रखने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये वाला तो सही हो गया, और कुछ है जो अभी सही हो सकता है ये चेक करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएट वो कर्व बना लेते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है सबसे पहले, तो ये वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर का जीरो से वन में बनाना है, ये वन और ये माइनस वन, ये वाला भी वन, अब इस पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पे होल हो जाएगा ना वन पे, इंटीजर पे क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट जीरो बन जाता है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये किसका ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का। अब इससे क्या करना है अपने को कोस लगाना है इस पे, तो जीरो ये जीरो पे तो वैल्यू वन वन आ जाएगी, और जीरो से वन के बीच में कुछ वैल्यू क्या आएगी, देखो वैल्यू ये डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ग्राफ कैसा कोस का, डिक्रीजिंग फंक्शन पे कोस लगाएंगे तो इंक्रीज वो उल्टा हो जाएगा ना, कोस डिक्रीजिंग है ऑलरेडी, डिक्रीजिंग पे डिक्रीजिंग लगाएंगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो जीरो पे वैल्यू तो आएगी वन, और यहाँ वाले जीरो पे भी वैल्यू आएगी वन, और इस जीरो पे भी वैल्यू आएगी वन, बाकी देखो इस पे क्या जाएगा ऐसा, इस साइड से देखो ये डिक्रीजिंग था, एक डिक्रीजिंग कोस लगाया तो ये कैसा हो गया इंक्रीजिंग, इस साइड में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग लगाएंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये किसका है अपना एफ एक्स हो गया। अब देखो क्या पूछ रहे हैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ऑल इंटीग्रल पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही है, इस पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है बिल्कुल, ये सही है। फिर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट डिसकंटिन्यूअस, नहीं नहीं देखो डिसकंटिन्यूअस नहीं है इस पे, कंटिन्यूअस है ये जीरो पे, जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है कंटिन्यूअस आ रही है, तो ये वाला सही नहीं होगा, एक पॉइंट ऑल बोला है ना इसने, ऑल इंटीग्रल पॉइंट जीरो पे नहीं होगा। फिर क्या बोला है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो प्लस माइनस वन पे कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो ये वाला सही हो गया। देर इज नो लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का कोई भी लिस्ट वैल्यू नहीं है, लिस्ट वैल्यू मतलब मिनिमा, मिनिमा नहीं है, तो ये जीरो पे ये तो मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो ये वाला सही हो जाता है, कोई मिनिमा नहीं है।
फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एफ एक्स ये कोई डिटर्मिनेट दिया हुआ है तो निम्न में से कौन सा सत्य है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, एटलीस्ट टू रियल रूट, एफ एक्स एफ डे एक्स हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, मैनी वन 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 चेक करना है। देखो पहले तो अपन चेक करेंगे एफ ऑफ जीरो क्या है, देखो जीरो और वन कई जगह दे रखा है ना, जीरो पे वैल्यू चेक करोगे ना तो एफ एक्स एफ ऑफ जीरो आएगा जीरो, और वैसे ही एफ ओ वन पे वैल्यू चेक करोगे तो ये भी आएगा जीरो। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो जीरो पे भी जीरो आ रहा है, वन पे भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, मैनी वन तो 100% है ना, और देखो दो रूट इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, जीरो और वन पे अपने को पता चल रहा है, तो क्या है एफ एक्स के कम से कम दो वास्तविक मूल होंगे, तो एटलीस्ट टू रियल रूट्स हैज एफ एक्स हैज एटलीस्ट, अब दो रियल रूट है देखो, और ये कैसा बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा डिफरेंस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस फंक्शन और दो पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब आर एम वी टी से अपन बता सकते हैं कि एफ डे सेक्स एटलीस्ट एफ डे सेक्स एक जगह पे क्या होगा जीरो आएगा, तो एफ डे सेक्स का भी एक रियल रूट आ जाएगा। अब ये वन वन पूछ रहे हैं, मैनी वन हो गया तो वन वन तो कैसे ही होगा, तो तीन सही हो जाएंगे इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, द कर्व इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस एट 0,0, 0,0 पे ये कर्व 45 डिग्री पे है तो इसका स्लोप क्या हो गया, 1 हो गया, 0,0 पे dy बाई डी एक्स क्या है 1, फिर एंड इट टचेज एक्स एक्सिस, मतलब ये 1,0 को पास भी कर रहा है, 1,0 सेटिस्फाई करेगा, 1,0 रखो इसमें, 1 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आना चाहिए 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक कंडीशन तो ये आ गई। अब क्या बोल रहा है आगे, टचेज एक्स एक्सिस, 1,0 पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 एट 1,0 क्या आना चाहिए 0, तो एक कंडीशन तो अपने पास में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गई, दूसरी तीसरी के लिए ये दो कंडीशन और दे रखी है तो ये इसमें यूज कर लेते, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी, ये है डिफ्रेंशिएशन, तो 0,0 रखोगे तो डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू क्या आएगा 1, तो 1 इक्वल टू 0 रखो, ये 0 तो c का वैल्यू क्या आ गया 1, इसमें 1 रखोगे तो क्या आएगा 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, अब c का वैल्यू क्या है 1, तो इसमें रख दो 3a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसमें रखोगे तो a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों से a और b के वैल्यू निकाल लेंगे क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ तो ये आ जाएगा अपने पास में, 2 से मल्टीप्लाई करते माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू क्या आ गया 1, और ए का वैल्यू 1 आ गया तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2, अब फंक्शन क्या आ जाएगा अपने पास में एफ एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू 1 तो एक्स क्यूब बी माइनस 2 तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर और सी का वैल्यू भी 1 है तो x, इसने क्या पूछा है एफ वन वन रखो 1 माइनस 2 प्लस 1 0, तो ये वाला तो सही हो गया, एफ डेस वन क्या आएगा इसमें, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, एफ डेस एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एफ डेस वन 3 माइनस 4 प्लस 1 तो कितना आ गया 0 आ गया, एफ डेस वन ये भी सही हो गया, एफ डबल डेस वन एफ डबल डेस टू, तो एफ डबल डेस क्या आ जाएगा 6x माइनस 4, तो 1 पे 6 माइनस 4 2 आएगा, वो 2 नहीं दे रखा इसने, और 2 पे 12 माइनस 4 8 आएगा, तो दोनों ही गलत हो गए,
तो इसके साथ में ये पांच क्वेश्चन ये हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या गिवन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू जीरो टू टू इंटीग्रेशन, ये कोई इंटीग्रेशन है और इसके अंदर पूछ रहा है देर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन टू, एक्स ग्रेटर देन, ऐसा कुछ पूछ रहा है, एक्स ग्रेटर देन टू पे क्या होगा। तो अपन पता कर लेते हैं इसमें, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू वन पे, ग्रेटर देन वन पे, ग्रेटर देन टू पे, तो अपन केस ही बना लेते हैं इसमें, एक्स ग्रेटर देन टू हो, ग्रेटर देन टू पे पूछ रहा है, वन पे पूछ रहा है, तो एक्स ग्रेटर देन टू पे क्या होगा, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें टी का वैल्यू जीरो से टू के बीच में, तो एक्स टू और टू से ज़्यादा टू से कम पे अलग अलग ये मोड लगा हुआ भी तो है ना साथ में, तो उसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू टू वो मोड ऑफ एक्स माइनस टी, देखो एक्स टू से बड़ा हो गया और टी क्या है जीरो से टू के बीच में, तो ओवरऑल एक्स ही बड़ा हो गया, एक्स टू से बड़ा है, तो एक्स माइनस टी हो जाएगा मोड का डी टी, देन चूज द करेक्ट, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर दो एक्स का, एक्स बाहर आ जाएगा तो टी होगा, तो टी क्या हो जाएगा टू माइनस जीरो, तो टू एक्स, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू, तो टी स्क्वायर अपॉन टू टू का स्क्वायर अपॉन टू माइनस टू, तो ये अपना आ गया एफ एक्स जब एक्स ग्रेटर देन टू, नो मिनिमम एक्स ग्रेटर देन टू मैक्सिमम, ये तो लाइन आ गई ना देखो, टू एक्स माइनस टू ऐसी कोई लाइन होगी ऐसी, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं आएगी, मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, तो एफ एक्स इज नो मैक्सिमम वैल्यू फॉर एक्स ग्रेटर देन टू नहीं आएगी। फिर एक्स वन पे है, एक्स इक्वल टू टू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू एक्स, इसमें देखो देर इज़ नो मिनिमम वैल्यू एट एफ एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन जी टू, हाँ ये भी सही है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही नहीं आएगी, तो एक्स ग्रेटर देन टू का तो इसमें काम हो गया, एक्स ग्रेटर देन लेस देन टू का बचाओ, चलो वो भी देख लेते हैं, एक्स लेस देन टू होगा तो क्या होगा, एक्स लेस देन टू के लिए, एक्स लेस देन टू के लिए केस देखते क्या, जीरो से तो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, इसने दे रखा है, जीरो से एक्स में ब्रेक कर लेते पहले, तो फिर क्या करते हैं एक्स से टू में ब्रेक कर लेते, जीरो से एक्स में टी कैसा है, जीरो से एक्स के बीच में, तो टी एक्स से छोटा हो गया ना, तो ये तो हो गया एक्स माइनस टी इंटू डी टी प्लस एक्स से टू, तो टी क्या हो गया एक्स से ज़्यादा हो गया, एक्स से टू के बीच में, तो इस बार क्या हो जाएगा टी माइनस एक्स इंटू डी टी, सर यहाँ पे क्या है टी डी टी प्लस ये एफ एक्स का वैल्यू अपने पास, इसका तो सिंपल क्या आएगा एक्स इंटू टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से एक्स पे जाना है और इसमें टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स टी एक्स से टू में जाना है, एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी स्क्वायर, पहले तो टू रख दो, तो फोर बाई टू टू माइनस टू एक्स, और फिर आएगा माइनस के साथ में, एक्स रखना है इसमें एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू है, तो उसको मैं ऐसे लिख दूँ प्लस, ये क्या हो गया एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, किसका वैल्यू है एफ एक्स का वेन एक्स इज लेस देन वन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन, वन रखेंगे तो क्या आएगा मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वन, और उसके बाद में वन के अलावा सब जगह पॉजिटिव वो मैक्स, इससे वन मिनिमम से ज़्यादा रहेगी, तो ये मिनिमम वैल्यू, इसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम आ गया, तो मैक्सिमम कैसे होगी एफ एक्स इक्वल टू वन, वन पे वन ही आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू वन आ रही है, तो टू कैसे आएगी, चलो वन टू और फोर सही हो जाते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेवन, एफ एक्स देन अपने को एफ एक्स गिवन है तो इन पे चेक करना है किस पे वैल्यू बड़ी होगी किस पे, तो वो किससे चेक कर लेते हैं अपन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कंसेप्ट से चेक करते हैं ना इसमें, तो एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा
एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और 100x का प्लस 100। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब एफ डेस एक्स ए पॉजिटिव, तो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज। तो एफ एक्स कैसा हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो 2001 किससे बड़ा होता है? 2000 से। तो एफ ऑफ 2001 किससे बड़ा हो जाएगा? एफ ऑफ 2000 से। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ये उल्टा दे रखा है। फर्स्ट सेकंड के अंदर देखो 1/1999 ये किससे बड़ा होता है? 1/2000 से। तो एफ लगा देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये वाला अपना सही हो जाएगा। देखो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन से बड़ा आता है, तो फंक्शन का वैल्यू एक्स प्लस वन पे ज़्यादा होगा एक्स माइनस वन से ही, तो ये भी सही हो गया। 3x-5 3x से छोटा होता है, तो फंक्शन का वैल्यू छोटा होना चाहिए, ये बोल रहा है बड़ा है, तो ये वाला गलत है। सेकंड और थर्ड इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए टी इज ए फंक्शन ऑफ टी सच दैट डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इसने दे रखा है, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। इसने डी ए बाई डी टी दे रखा है, तो डी ए कितना हो जाएगा? 2 डी टी। तो ए क्या हो जाएगा? 2 टी प्लस कोई कॉन्स्टेंट। ए इक्वल टू 0 पे ए इक्वल टू 0 है जब टी इक्वल टू 0, टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा? 0। 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो यहाँ से सी का वैल्यू अपने को पता चल गया, वो क्या आ रहा है? 0। तो ए का वैल्यू क्या आ गया? 2t। अब आगे क्या दे रखा है इसने? फर्दर y इक्वल टू m कोई फंक्शन है t का, x प्लस सी कोई फंक्शन है t का, इस टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे टेंजेंट है, ये कर्व कैसा है? a का वैल्यू अपन ने निकाल लिया, तो y इक्वल टू x² - 2ax, y इक्वल टू x² - 2ax प्लस a² + a, यही है क्या फंक्शन? सही। a का वैल्यू 2t रख दो इसमें, 2axb दो, यहाँ पे xb है, y इक्वल टू x² और a का वैल्यू 2t, तो -4tx प्लस 4t² प्लस 2t, ये आ गया। अब इसने क्या बोला है? एट द पॉइंट व्हिच एब्सिसा इज 0, एब्सिसा 0 पे x इक्वल टू 0 हो गया, एब्सिसा x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट है, तो x इक्वल टू 0 और y कोई पॉइंट होगा उस पे टेंजेंट निकाल लेते हैं, फिर उसको इससे कंपेयर कर लेंगे। चलो x इक्वल टू 0 पे y क्या आ जाएगा? पॉइंट हो जाएगा 0, 0, 4t² + 2t, ये अपना आ गया पॉइंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है, वैसे देखा जाए तो ये पैराबोला है, कर्व है, उस पे टेंजेंट क्या होती है? t इक्वल टू 0 से निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 0, y प्लस y1 4t² + 2t अपॉन 2, y प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल टू x² को क्या लिखते हैं? x एक्शन, तो x इंटू 0 माइनस 4t x + x1, 4x + 0/2 और प्लस कॉन्स्टेंट तो एज इट इज आता है प्लस 2t। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, तो ये क्या आएगा? y प्लस 4t² + 2t इक्वल टू x के साथ में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -4tx बच जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8t² + 4t, अब y का वैल्यू क्या आ गया? -4 × 4tx और 4t² 8t², तो क्या आ गया? 4t² + 2t, ये आ गया अपने पास में टेंजेंट। और इसने क्या दे रखी है टेंजेंट? mx (mt)x और ct, तो mt का वैल्यू क्या हो गया? -4 × t
और सी टी ये क्या हो गया, 4t² + 2 times t। चलो अब अपन को क्या पूछा है इसने, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स, फर्स्ट क्वेश्चन में तो इसने रेट ऑफ चेंज पूछा है किसका, वर्टेक्स का, वर्टेक्स, वर्टेक्स तो इससे डायरेक्ट ही निकाल लो, ये क्या होगा y - a = x - a² ये पैराबोला, तो वर्टेक्स क्या हो गया a, a की डिस्टेंस पूछिए किससे, a, a की डिस्टेंस पूछिए इसने रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टेक्स, ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी √2a, और कहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t √2a, तो डिस्टेंस क्या होगी √2a और a का वैल्यू क्या है 2t, तो 2√t, इसका d dt कर दो तो क्या आ जाएगा 2√2 आंसर आ रहा है, हाँ k = 2√2, ये आया t इज k, तो k का वैल्यू 2√2 आ गया। अब सेकंड में क्या पूछा है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सी टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, सी टी की रेट ऑफ चेंज, तो dct/dt ये पूछा इसने कहाँ पे t = k, तो k का वैल्यू 2√2 पे, सी टी क्या है ये वाला 2√2 पे, t का वैल्यू क्या रखना है 2√2, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा dc/dt 8t + 2, टी का वैल्यू 2√2, तो ये क्या रहना होगा 16√2 + 2, ये आ रहा है 16√2 + 2, तो ये तो दोनों सही हो गए। फिर क्या पूछ रहा है, t = रेट ऑफ चेंज ऑफ एम टी विथ रेस्पेक्ट टू टी एट t = 0, एम टी की रेट ऑफ चेंज पूछा है, एम टी ये रहा, इसकी रेट ऑफ चेंज, तो कितना आ गया dm/dt - 4, टी का 1 तो -4 आना चाहिए इसकी रेट ऑफ चेंज, t = 0 का किसी पे भी पूछ लो वो तो -4 ही आनी, ये थर्ड वाला, फोर्थ पे बोल रहा है कि +4 होगी, तो ये गलत हो जाएगा, तो कौन कौन से ऑप्शन ये जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फोर्थ हो जाएगा इसमें गलत। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, क्वेश्चन सेक्शन सी आ जाता है फिर, इसमें क्या है इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटीजर टाइप में देखते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है fx = this, ये कोई कर्व दे के रखा है, सेटिस्फाई दिस लिमिट, इस लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है fx, हैज लोकल मैक्सिमम एट x = 1 एंड लोकल मिनिमम एट x = -1, तो f(x) 1 और -1 पे 0 होगा बेसिकली, यही मतलब इसका, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, पहले इसी का यूटिलाइज कर लेते हैं अपन लिमिट वाले, तो लिमिट x → 0 1 प्लस fx और x³ से डिवाइड कर देंगे, तो ax + bx² + cx³ उसकी पावर 1/x = e² ये गिवन है। अब देखो ये 0 रखेंगे तो ये 1 पावर इन्फिनिटी टाइप फॉर्म बन गई, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, e^(x → 0) दिस -1 × 1/x, तो 1/x इंटू इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ax + bx² + cx³ = e², तो ओवरऑल लिमिट ये x एक कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो क्या आनी चाहिए लिमिट, लिमिट x → 0 किसके इक्वल आनी चाहिए a + bx + cx² ये किसके इक्वल आएगी 2 के इक्वल आएगी, x का वैल्यू 0 पुट करो तो a आएगी इधर से लिमिट, तो a का वैल्यू क्या हो गया अपने पास में 2, एक तो कंडीशन आ गई अपने पास में a 2 हो गया, तो y क्या आ गया अपने पास में y = ax² है ना, तो 2x² + b, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया ax⁴ y = a का वैल्यू रख देते हैं इसमें 2x⁴ + bx⁵
प्लस सी एक्स पावर सिक्स, इसके मैक्सिमम मिनिमम है वन और माइनस वन पे, बेसिकली वन और माइनस वन पे अपने को डिफरेंशिएशन जीरो करना है, तो कर दो वन और माइनस, डी वाई बाई डी एक्स, एट एक्स क्यूब, फाइव बी एक्स पावर फोर और सिक्स सी एक्स पावर फाइव, वैल्यू वन रखो, एक्स का वैल्यू वन, क्या आएगा जीरो, एट प्लस फाइव बी प्लस सिक्स टाइम सी, एक इक्वेशन दी आ गई, माइनस वन रखेंगे तो क्या आएगा, फिर डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, माइनस एट प्लस फाइव बी और माइनस सिक्स सी, इन दोनों इक्वेशन से एक तो अपने को मिल गया कि बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, बी का वैल्यू जीरो हो गया तो सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, फोर अपॉन थ्री, ए का वैल्यू टू, बी का वैल्यू जीरो, सी का वैल्यू फोर अपॉन थ्री, तो क्या पूछा है इसने, ए प्लस फाइव बी, ए का वैल्यू टू प्लस फाइव बी जीरो, टू प्लस जीरो टू, माइनस थ्री सी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बी का वैल्यू, सॉरी सी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस फोर बाई थ्री आएगा, देखो सी का वैल्यू माइनस फोर बाई थ्री आएगा ना, दोनों पॉजिटिव है, तो माइनस थ्री सी, थ्री सी माइनस थ्री सी का वैल्यू कितना हो गया, फोर, फोर प्लस वन, फोर प्लस टू, ए का वैल्यू टू, फोर प्लस टू सिक्स हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या रहेगा, इफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट वन कॉमा टू इज पैरेलल टू नॉर्मल एट द पॉइंट, इस पे टेंजेंट की स्लोप और इस पे नॉर्मल की स्लोप को अपने को इक्वल करना है, यही बोल रहा है, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द नॉर्मल एट द पॉइंट, तो इस पे टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स एट वन कॉमा टू, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू ए एक्स प्लस बी, ये किस पे, वन कॉमा टू पे, किसके इक्वल होगी, इस पे नॉर्मल का स्लोप वो क्या होता है, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इस पे डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टेन, इतना आ जाएगा टू एक्स प्लस सिक्स, किस पे, माइनस टू कॉमा टू पे, वन कॉमा टू पुट करो इसमें, वन वन पुट करेंगे, टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन, माइनस टू पुट करोगे तो टू, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, फिर क्या आएगा, एक ये पॉइंट इस पे लाई भी तो कर रहा है ना वन कॉमा टू, तो टू रखेंगे तो क्या आएगा, टू इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो ए वन रख देंगे एक्स की जगह, प्लस बी प्लस सेवन बाई टू, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया, टू माइनस सेवन बाई टू फोर, माइनस थ्री बाई टू, इन दोनों इक्वेशन से अपन ए और बी के वैल्यू निकाल लेंगे और वही अपने इसमें पुट कर देंगे ए माइनस टू बी में, ए और बी के वैल्यू क्या आएंगे, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं वन में से टू को, बी का ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस थ्री बाई टू माइनस वन, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस वन, और बी का वैल्यू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का वन आएगा, ए प्लस का वन, माइनस थ्री बाई टू, टू टू माइनस कर रहे हैं ना वन में से, तो माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू, तो ए का वैल्यू वन आ गया, ए का वैल्यू वन आ गया, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन माइनस फाइव बाई टू, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू बी का वैल्यू हो गया फाइव माइनस फाइव, तो वन माइनस माइनस फाइव कितना हो गया, प्लस का सिक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट अपना थर्ड, सेकंड तो हो गया, थर्ड देखो, इंटीग्रेशन फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है अपने को, फंक्शन है उसका ग्लोबल मैक्सिमम निकालना, मीन्स डिफरेंशिएशन करना है, एफ डेस एक्स क्या आएगा, पावर का इसका लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले 2x, और x की t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन रख दो, माइनस फिर x का 1x माइनस वन, तो एफ डेस एक्स क्या आ गया, 2x क्यूब माइनस 2x माइनस x, तो माइनस 3x और प्लस 1, ये आ गया अपने पास में एफ डेस एक्स, क्या पूछ रहा है, 1 से 2 में ग्लोबल मैक्सिमम, इसके फैक्टर हो रहे हैं ना, देखो एक तो हो रहा है x इक्वल टू वन पे सेटिस्फाई कर रहा है x माइनस वन, फिर टू एक्स क्यूब
टू एक्स स्क्वायर, अपने को क्या चाहिए माइनस वन, और माइनस एक्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस टू एक्स है, ये फैक्टर हो गया। एक्स इक्वल टू वन पे जीरो हो रहा है, वन से टू के बीच में चेक करना है अपने को, और ये क्या है, ये वन और टू के अलावा कहीं दूसरी जगह पे, मान लो ये वन और टू है ना, तो ये जीरो कहीं पे होगा, तो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, वन और टू के बीच में नहीं होगा। तो वन और टू के बीच में अपने को वन और टू पे चेक कर लेते, बीच में कहीं पे भी तो इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा, या तो वन या टू पे मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, या तो ऐसा करो होगा या फिर ऐसा करो होगा, तो वन और टू पे चेक कर लेते। वन पे तो देखो जीरो आएगा, दोनों लिमिट सेम हो जाएगी, तो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, जीरो। एफ ऑफ टू चेक करना है, एफ ऑफ टू क्या आएगा, टू से फोर किसका इंटीग्रेशन करना है, टी माइनस वन डी टी, टी माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी माइनस वन स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट लगानी है टू से फोर, फोर रखोगे तो थ्री, थ्री की पावर टू नाइन बाई टू, माइनस टू रखोगे तो टू माइनस वन वन बाई टू, नाइन माइनस वन एट बाई टू फोर, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर कुछ इस तरह से है। देखो एफ एक्स इक्वल टू, दो पार्ट में फंक्शन को इन्होंने ब्रेक करके रखा है, वन से और वन से पहले और वन के बाद में। देखो वन से पहले ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना, तो अपन इसको एफ एक्स को ऐसे लिख लो, मोड हट जाएगा डायरेक्ट, वन माइनस एक्स नेगेटिव होगा तो वन माइनस एक्स प्लस ए, और ये आ गया टू एक्स प्लस थ्री, एक्स लेस देन और इक्वल टू पे वन पे ये, और एक्स ग्रेटर देन वन। अब अपने को वन पे चेक करना है कि मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा। इफ़ एफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू वन, देन फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू पूछा है। तो ये तो देखो ब्रेक है, तो पहले तो ग्राफ से चेक करना पड़ेगा क्या कर सकते हैं इसके साथ में। एक्स इक्वल टू वन, ये रहा एक्स इक्वल टू वन, वन पे ये तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है, बना लो वन पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव स्लोप है, वन पे वैल्यू आएगी फाइव, यहाँ कहीं पे ऑल से स्टार्ट होगा ये अपनी टू एक्स प्लस थ्री। अब इसने पूछा ये वाली लाइन कहाँ पे होगी, वन पुट करेंगे तो ए आएगा इसका, और नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ कहीं से या तो ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है, ऊपर हो सकती है ना ए, ये तो फाइव हो गया अपना, और ये ए है, या फिर ये मान लो, ठीक है। अब अपने को चेक करना है इस पर क्या है, लोकल मिनिमम आए, मिनिमम मीन्स वन पे जो वैल्यू आ रही है ना, इधर भी ज़्यादा आनी चाहिए और इधर भी ज़्यादा, इसमें तो देखो वन पे वैल्यू आ रही है ना, ये आ रही है ए, और वन से इधर तो ज़्यादा आ रही है, पर इस साइड में वन पे आ जाएंगे तो ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये वाला केस तो नहीं हुआ। इसमें देखो वन से आगे वैल्यू इससे तो ज़्यादा ही है, ए से ज़्यादा, और इस वाले केस में इधर वैल्यू वन से भी ज़्यादा है, तो दोनों साइड में वैल्यू वन से, वन पे जो वैल्यू आ रही है उससे ज़्यादा, इधर बढ़ोगे तो भी ज़्यादा पे जाना पड़ेगा, इधर भी तो ये स्लोप ऐसे जा रहा है तो ऊपर हाइट पे जाना पड़ेगा, तो ये वाला केस कंसीडर हो सकता है। तो ए का वैल्यू देखो, ए नीचे है फाइव ऊपर, तो ए का वैल्यू फाइव से कम होना चाहिए, फाइव होगा तो भी चल जाएगा, फाइव पे भी देखो सेम ही आएगा तो फाइव है। तो ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, तो ए का मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू फाइव से छोटा रहेगा हमेशा, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा इसका, तो ये हो गया फाइव आंसर। इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाई इक्वल टू वाई, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाई, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाई क्या होती है, डी वाई बाई डी टी, और फिर क्या है, इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्स, दोनों की डिक्रीज की रेट ये लिख दी। वैसे डिक्रीज तो रेट माइनस होना चाहिए, पर दोनों साइड में माइनस लिखने से कोई मतलब नहीं बनेगा, डी एक्स अपॉन डी टी, वैसे भी कैंसिल कर देंगे माइनस, तो कोई सेंस नहीं बनेगा उस चीज़ का। और इसने बोला कि डिक्रीज की रेट क्या है, नॉन जीरो है, चलो ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, टू एक्स अपॉन टू माइनस टू, ये तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, और इसको, और ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, टू इंटू डी एक्स बाई डी टी, इसके साथ में एक डी एक्स बाई डी टी से भी तो मल्टीप्लाई होगा एक्स का डी टी के रेस्पेक्ट में,
ये होगा ना, या फिर ऐसे कर लो डी वाई बाई डी एक्स टू होगा, चलो ऐसे कर लो, डी टी डी टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस टू किसके इक्वल है, टू, एक्स का वैल्यू क्या हो जाए फोर, सिंपल फोर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, अच्छा ये अपना जेई का DCM 27 था, वो कंप्लीट होता है, एडवांस और मेन दोनों पार्ट। थैंक यू वेरी मच।